हेलो, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। मेक्सिको के सबसे कुख्यात ड्रग्स माफिया एल चापो को अमेरिका की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 62 साल के एल चापो को अवैध हथियार रखने के लिए 30 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही उस पर 85,000 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। कौन है एल चापो? 1957 में पैदा हुए एल चापो मेक्सिको के सिनालोआ शहर में। परिवार मूलतः एक किसान, एल चापो को ड्रग्स के काम की आदत घर के आसपास होने वाली अफीम और गांजे की खेती की वजह से हुई। यहां से एल चापो ने ड्रग्स सप्लाई करने का तरीका सीखा, देखते ही देखते इस धंधे का सबसे बड़ा माफिया बन गया। कैसे पकड़ में आया एल चापो? सबसे पहले 1993 में मेक्सिको में गिरफ्तार किया गया और 20 साल की सजा सुनाई गई। बीच में ही जेल से फरार हो गया, तब से मेक्सिको पुलिस उसे खोज रही थी। 2014 में दोबारा उसे गिरफ्तार किया गया, फिर 2015 में ऑल्टीप्लानो मेक्सिकन सिक्योरिटी जेल से भी सुरंग बनाकर फरार हो गया। 2016 में एल चापो को फिर पकड़ लिया गया और फिर से ऑल्टीप्लानो मेक्सिकन सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया गया। इस बीच 2017 में उसे अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दिया गया। नवंबर 2018 में न्यूयॉर्क ने उस पर ट्रायल शुरू किया और फरवरी 2019 में न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट ने एल चापो के खिलाफ अवैध रूप से हथियार रखने, ड्रग्स की तस्करी करवाने और मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसा इधर से उधर पहुंचाने के 10 अलग अलग मामलों में उसे दोषी ठहराया। 17 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने एल चापो को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई है। ट्रायल के दौरान एल चापो के कोर्ट पहुंचने से पहले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया ताकि फिर से भाग ना सके। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी गई। अपनी सजा पर एल चापो ने क्या कहा? एल चापो ने अदालत में अपनी सजा से पहले कहा, यहाँ कोई न्याय नहीं था, मेरी पूरी लाइफ टॉर्चर से भरी रही, सबसे अमानवीय स्थिति में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी है। माफिया बनने का सफर। एल चापो ने मिगेल एंजल फेलिक्स गलार्डो को अपना गॉडफादर बनाया यानी अपना गुरु बनाया। उसी से एल चापो ने ड्रग्स तस्करी के बारे में जानकारी हासिल की। 1980 में मेक्सिको के प्रभावशाली सिनालोआ ड्रग्स की तस्करी करने वाले ग्रुप का मुखिया बन गया। इसके बाद वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई करने वाला माफिया बन गया। 2009 में गिरफ्तारी के बाद भी एल चापो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रहा। एल चापो पर नेटफ्लिक्स ने 35 एपिसोड की एक पूरी सीरीज बनाई है। सीरीज का नाम एल चापो ही है। सीरीज में दिखाया गया है कैसे एल चापो ने ड्रग्स की तस्करी की शुरुआत की और कैसे वो ड्रग्स माफिया बन गया। एल चापो के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं और ये जो सीरीज़ है हमने आपको बताई है वो देख भी सकते हैं। बाकी ऐसे और न्यूज़ जानने के लिए आप बिल्कुल ललन टॉप पर बने रहिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।